मधुबनी जिले के राजद नेता मृतक के घर पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव व मधुबनी राजद विधायक समीर कुमार महासेठ मधुबनी जिले के जयनगर बस्ती पंचायत के सुभाष चौक स्थित किराना व्यवसायी मृतक स्वर्गीय श्रवण कपड़ी के आवास पर उनके परिजनों से भेंट कर सांत्वना देने के बाद मौके पर मौजूद संवाददाताओं से बातचीत में कही उन्होंने जयनगर के डीएसपी विपल्व कुमार से मोबाइल पर बात कर अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कहते हुए एक सप्ताह का समय दिया, अन्यथा एक सप्ताह बाद राजद के द्वारा घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। मौके पर प्रदीप कुमार यादव, राजेश कुमार सिंह, राम प्रसाद यादव, प्रोफेसर मनीक लाल यादव, उमेश यादव आदि मौजूद थे। हम लोगों ने प्रशासन को अभी कहा, जो अभी वर्तमान यहाँ है एसआईटी के जो अध्यक्षता कर रहे हैं कमेटी का, हम लोगों ने टाइम बाउंड कालबद्ध तरीके से कहा है कि इसका निपटारा करिए विद इन ए वीक। एक सप्ताह में यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है, जिसको हम लोग जिम्मा दिए हैं, जिस पर भरोसा करते हैं उसको भरोसा तोड़ते नहीं। ये एक सप्ताह के बाद जब भरोसा टूटेगा तो जनता का भी आक्रोश टूटेगा और आक्रोश ऐसा बढ़ेगा जिसको फिर नियंत्रण करना, क्योंकि जन सैलाब जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तो बरिश बरिश सल्तनत हिल जाती है। इसीलिए हमारे हत्या का सवाल है, ये संगीन अपराध का मामला है कि यहाँ बाजार में रहकर इस तरह की हत्या हुई है, निंदनीय है, ये नृशंस हत्या है। ये नृशंस हत्या में एक साजिश की भी बू आ रही है, जैसा वार्तालाप से पता चला है, पहले से कोई सिलसिला बना हुआ है, जानबूझकर इस परिवार को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। ये लगातार टारगेट बनाने के जो भी लोग होंगे, चाहे नेपाल के तराई में क्यों न चला गया हो, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जो स्थानीय प्रशासन उसकी जिम्मेदारी है कि नेपाल के खो में क्यों न चला गया हो उसको ढूंढ कर निकालें। नेपाल से संपर्क तो होता ही रहता है, एक क्रिमिनल दूसरे जगह भाग जाता है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करके उसको वापस किया जाता है, यहाँ भी आता है कोई नेपाल के, तो यहाँ से सहयोग मिलता है भारत ने।